हे दोस्तों, मैं हूं मिदुल और आप सबका स्वागत है हिंदी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर कई सारे वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी दोस्तों इस वीडियो के ऊपर मैं आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट के ऊपर बताया कि वो लोग किस तरह से गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट फाइंड करेंगे, उसमें उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के लिए अपनी खुद की नीच रिलेटेड वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से अपनी खुद की नीच के रिलेटेड वेबसाइट को फाइंड करके उस पर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, और उसको फाइंड करने का क्या क्या स्ट्रेटेजी होता है दोस्तों, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए हम लोग आर्टिकल किस कैसे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से हमें गेस्ट पोस्टिंग के आर्टिकल लिखना होता है और किस तरह से उसको सबमिट करना होता है, उसके ऊपर भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। दोस्तों इसके ऊपर भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो बस आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट के नीच रिलेटेड या फिर अपनी जो कीवर्ड है जिसके लिए हम लोग बैकलिंक लेंगे उसके रिलेटेड वेबसाइट को किस तरह से फाइंड करेंगे। दोस्तों उसके ऊपर कई सारे वे हैं, ठीक है, कई सारे आप मतलब सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं अपने नीच रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट जो है दोस्तों वो है ट्विटर और फेसबुक का तरीका। हो सकता है कि आपने इस सिस्टम के बारे में कभी सुना नहीं होगा और मे भी सुना होगा, तो इस वीडियो पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप ट्विटर का इस्तेमाल करके गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक सिस्टम है, तो किस तरह से इसको करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है twitter.com पे। यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सर्च का बॉक्स होता है ना ट्विटर पे, वहाँ पे आपको कुछ चीजें सर्च करना होगा। तो किस तरह से आपको सर्च करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है जैसे कि हैशटैग क्या क्या आपको सर्च करना है, जैसे कि राइट फॉर अस, तो इस तरह की कई सारे हैशटैग है जिनको आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे डिटेल्स है, ये सब कुछ का ये जो फाइल है ये आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हो तो इसको डाउनलोड करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो राइट फॉर अस हैशटैग है इसको मैंने सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे आ जाएगा टॉपिक। तो यहाँ पे मैं चला जाऊंगा लेटेस्ट पे, तो देख सकते हैं ये है वो वेबसाइट जिसके ऊपर आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, और इस वेबसाइट को हम लोगों ने फाइंड किया कहाँ से, हम लोगों ने फाइंड किया ट्विटर की मदद से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना ट्विटर पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगा, ये हर एक वेबसाइट की निश अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, आपको बस उन वेबसाइट को फाइंड करके निकालना है जो कि आपकी निश के साथ मिलता जुलता हो, ठीक है, और उसी वेबसाइट पे आपको गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, मतलब करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्विटर क्यों बेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ट्विटर में आपको वही लोगों का पोस्ट मिलेगा जो लोग गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं फिलहाल। बहुत सारी वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्टिंग कभी कभी करते थे पास्ट पे, अभी नहीं करते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट ऐसे भी हैं जहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन आपका गेस्ट पोस्ट वो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ट्विटर बेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपको उन्हीं लोगों का पोस्ट मिलेगा जो लोग गेस्ट पोस्ट फिलहाल अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है वो पहला सिस्टम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कई सारे और भी आपको हैशटैग मिलेगा जो कि मैंने यहाँ पे नीचे दिया है, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए दूसरा और एक हैशटैग यूज करके देखता हूँ, वो है हैशटैग गेस्ट पोस्ट। तो इसको मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर मुझे और भी कई सारे वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डोफॉलो परमानेंट डोफॉलो बैकलिंक्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो बैकलिंक होते हैं सभी एक्चुअली फ्री नहीं होते, कई सारी वेबसाइट के लिए आपको पैसा देना पड़ता है गेस्ट पोस्ट करने के लिए, और कई सारे फ्री हैं। लेकिन दोस्तों मैं प्रीफर करता हूँ अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप फ्री में जाइए, क्योंकि फ्री में आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे आप फ्री में गेस्ट पोस्ट करके बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको पेड के बारे में भी बताऊंगा, अगर आपको पेड मेथड के बारे में जानना है तो वो भी आप जान सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैं फ्री में ही बताऊंगा क्योंकि फ्री बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास बजट नहीं होता है तो उनके लिए फ्री अच्छा हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सेम चीज आपको फेसबुक भी आप कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करके अब आप गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फेसबुक पर सर्च कर लेता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो फेसबुक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पोस्ट नहीं, यहाँ पे आपको जाना है ग्रुप्स पे। जी हाँ, यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे हजारों में लोग होंगे, और उन ग्रुप्स में ना फ्री में गेस्ट पोस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ग्रुप्स है जहाँ पे 200-300 पोस्ट हर रोज यहाँ पे अपडेट होते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे लोग हैं, उनकी वेबसाइट का DAP ये सब वो लोग कितना है वो ये सब लिख के ना पोस्ट करते रहते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है उनकी वेबसाइट के ऊपर, उनकी वेबसाइट का निश आपकी वेबसाइट आपसे मिलता जुलता है, तो आप डायरेक्टली उनको मैसेज करके उनसे कॉन्टेक्ट करके उनकी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं अपना गेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो फ्री में गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने का यहाँ पे बहुत सारी आपको
ग्रुप मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस ग्रुप में ज्वाइन करना है और अपने लिए एक अच्छा गेस्ट कोचिंग वेबसाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो यह सिंपल तरीका दोस्तों, और हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो आपको मतलब पैकलिंग मतलब गेस्ट पोस्टिंग के लिए पैसा मांग रहा होगा, तो आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप उनके साथ एक्सचेंज मत कीजिए, ठीक है। तो ये था फेसबुक का तरीका, हो सकता है कि ये तरीका आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जिनके की वेबसाइट से आप बैकलिंग लेंगे, अगर उनसे आप अच्छे से बात कर लेंगे, बहुत अच्छी आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, तो फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलता रहता है उनसे। तो ये बेस्ट तरीका है ट्विटर और फेसबुक का। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरीकों का कि किस तरह से आप मतलब बैकलिंक की वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों जो सेकंड तरीका है वो है आपका गूगल सर्च। दोस्तों ये बहुत ही एक्चुअली कॉमन सिस्टम है, ये ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं कि गूगल सर्च करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट को। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सर्च करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो निश है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। निश लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है निश प्लस ब्लॉग, ठीक है। ये लिख के आप सिंपली इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। आपका निश अगर टेक्नोलॉजी है तो वो लिख लीजिए, या फिर अदर्स कोई भी मतलब निश है वो यहाँ पे आप लिख के प्लस ब्लॉग लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे आपको आपके निश के रिलेटेड जितना भी ब्लॉग्स हैं, जितना भी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उन सभी का लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपके निश के रिलेटेड आपको वेबसाइट तो मिल गया, ये बहुत अच्छे है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये वेबसाइट आपका गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकी वेबसाइट पे जाके कॉन्टेक्ट अस की मतलब यहाँ पे जाके आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये लोग मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक या फिर ट्विटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मतलब हो सकता है कि ज़्यादातर लोग आपको रिजेक्ट कर दे या फिर आपको रेस्पॉन्ड ना करें, और बहुत से लोग ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जहाँ पर आपको आप गेस्ट पोस्टिंग इजीली कर पाए, ठीक है। तो ये है मैंने ओपन कर लिया हेल्थ लाइन का वेबसाइट। तो ये वेबसाइट है बहुत ही बड़ी एक हेल्थ वेबसाइट है और ये गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ तरीका है जिसके इस्तेमाल करके आप गेस्ट पोस्ट को वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले आपका कीवर्ड, कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्लस राइट फॉर अस, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपको लिख लेना है, आपका कीवर्ड जो भी है आप वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो कीवर्ड मेरा है हेल्थ और फिटनेस, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा कि हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर जो भी वेबसाइट हो वो यहाँ पे आ जाए राइट फॉर अस लिख के, ठीक है। तो आपका जो भी कीवर्ड है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और सर्च कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो जो वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर है और वो लोग जो जो वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर है उनकी निश और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं गेस्ट पोस्ट, उन लोग की वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा। आपको जाना है उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ गया, उनकी वेबसाइट पर आपको जाना है, उनके साथ जो भी आप उनका कॉन्टैक्ट करने का सिस्टम है, जिस तरह की भी उनकी प्रोसेस है गेस्ट पोस्ट सबमिट करने का, उसको आप कंप्लीट करके गेस्ट पोस्ट करके बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है और ये मतलब बहुत ही कॉमन तरीका है, ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करके गेस्ट पोस्टिंग का मतलब वेबसाइट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ के भी और भी कई सारे सिस्टम हैं, तो वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उसका भी आपको किस तरह से सर्च करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फाइल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके आप खुद से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि दो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर और भी कई सारे ना यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारी तरीके होते हैं जो शॉर्टकट सर्च करके आप निकाल सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट, लेकिन उनमें से मुझे ये दो तरीका सबसे बेस्ट लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो सिस्टम ही बस आपको दिया है, ठीक है। इसको छोड़कर भी दोस्तों आप एक बहुत ही सिंपल तरीके का इस्तेमाल करके गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंपली आपको गूगल पे जाके लिख लेना है, जैसे कि मेरा निश है हेल्थ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेल्थ निश गेस्ट पोस्टिंग साइट लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा, अगर आपका टेक्नोलॉजी है, आपका अगर कोई अदर निश है तो आप निश यहाँ पे लिख के गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट लिस्ट आप सर्च कर लीजिए, तो बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हजारों में वेबसाइट मिल सकता है जहाँ पे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, वो भी आपकी निश की वेबसाइट। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको इन वेबसाइट की जो यहाँ पे लिस्ट है ना, इन वेबसाइट पे जाके आपको कॉन्टेक्ट करना होगा डायरेक्टली। आप यहाँ पे हो सकता है कि आपकी गेस्ट पोस्ट ये लोग एक्सेप्ट ना करें, तो यहाँ पे आपको जाके सबसे पहले कॉन्टेक्ट करना होगा, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं फिलहाल, उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पेड तरीके की, किस तरह से आप पेड में बैकलिंक ले सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग करके, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों कई सारे वेबसाइट होते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है आपका biggestposting.com, ये बहुत ही बड़ी एक वेबसाइट है गेस्ट पोस्टिंग करने का, जहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा वेबसाइट इनकी डाटाबेस में है।
जहाँ पर आप अपनी निश को डाल के अपनी कितनी कौन सी DAPA की वेबसाइट रखी इससे आपको बैकलिंक चाहिए वो सर्च करके आप यहाँ पे उनकी लिस्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्थ और मुझे बैकलिंक चाहिए 30 DAPA की, ठीक है। तो इस तरह से मैं अगर सर्च कर लूँगा तो इसके ऊपर जो भी लिस्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि यहाँ पे आपको उन वेबसाइट का नाम नहीं मिलेगा और उन वेबसाइट के साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है वो भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको इनकी जो प्रीमियम प्लान है उसको परचेज करना होगा। इनका प्रीमियम प्लान आपका लगभग $50 to $60 लाइफ टाइम के लिए होता है, उसको आपको परचेस करना होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ, आप छोड़ दीजिए इसको, आप फ्री में भी लिख सकते हैं गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे नीचे ही इसको बताया, सबसे लास्ट पे। तो उसके बाद भी यहाँ पे आपका और भी एक तरीका है, वो है आपका फाइवर से भी आप ले सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग की, गेस्ट पोस्टिंग करके बैकलिंक। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गेस्ट पोस्ट सर्च करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे गिग मिल सकता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं सस्ते में भी दे देते हैं, लेकिन आपको उनसे नहीं लेना है, ठीक है। आपको मतलब सबसे पहले उनसे बात करना है, सबसे पहले रिव्यू देखना है, रिव्यू देखने के बाद आपको बात करना है उनसे, सबसे पहले चैटिंग कर लीजिए उनको, उनसे सबसे पहले मांग लीजिए कि आप कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपका आर्टिकल पब्लिश होगा, सब कुछ डाटा ले लीजिए, सब कुछ देखने के बाद आपको जब पसंद आता है उसके बाद ही ऑर्डर कीजिए गिग को, इससे पहले मत करना, ठीक है। तो ये रहा दो वेबसाइट जहाँ पे आप पेज से बैकलिंक ले सकते हो गेस्ट पोस्टिंग करके, ठीक है। तो उसके बाद चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने बात कर लिया कई सारे तरीके, फ्री में भी आप हजारों वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग का। तो फ्री तरीका ही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं भी ज्यादातर फ्री में ही करता हूँ, मैं पेज में बहुत ही कम जाता हूँ, ठीक है। तो फ्री में बेस्ट है। तो फ्री में होने के बाद अगर आपको वेबसाइट अभी मिल गया, आपने वेबसाइट की जो ओनर है उनसे बात कर लिया, वो लोग रेडी हैं आपकी वेबसाइट की आपकी जो गेस्ट पोस्ट है उसको पब्लिश करने के लिए, आपने सब कुछ रेडी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि गेस्ट पोस्ट आप लिखेंगे कैसे, किस तरह से लिखेंगे कि वो एक अच्छा, एक बहुत ही अच्छा यूनिक आर्टिकल हो जाए और जो कोई भी वेबसाइट एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला जो आंसर है मेरा वो है आप खुद, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं तो आप एक ब्लॉगर है जरूर, ठीक है ना, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आपका वेबसाइट है खुद का, तो ऑब्वियसली आपको लिखना आता है, इसलिए तो आप एक ब्लॉगर है ना, तो आप खुद लिख सकते हैं। अगर आप खुद लिखेंगे ना और दूसरे लोग अगर रिजेक्ट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट का अगर रिजेक्ट होता है आपके आर्टिकल, तो आपको पता चलेगा कि आपके आर्टिकल में कौन सी कमियां हैं जिससे आपको मतलब इम्प्रूव करने, अपनी कंटेंट को इम्प्रूव करने की कई सारे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कंटेंट में कौन सी गलतियां करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खुद से अपनी गेस्ट पोस्टिंग के आर्टिकल लिखें, ठीक है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम है वो दोस्तों ये है कि आप किसी कंटेंट राइटर से आर्टिकल लिखवा लीजिए, ठीक है। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप खुद से लिखिए, बेस्ट है, आप खुद से बहुत कुछ सीखेंगे और आपका ही फायदा होगा। अगर आपका दूसरा कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको ही बहुत अच्छा लगेगा कि आपका कंटेंट उनको पसंद आया है, ठीक है। तो और अगर आपको नहीं आता लिखने में, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आता भी है लेकिन वो लोग समझते हैं कि उनका कंटेंट इतना हाई लेवल का नहीं होता है, ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली कंटेंट बाय कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट राइटर हैं जो यूनिक आर्टिकल लिख देंगे आपके लिए, तो उनको आपको पैसा देना होगा, वो आपके उसके बदले में आपके लिए लिख देगा, ठीक है। तो ये बेस्ट है। तो और अगर आपको कोई कंटेंट राइटर नहीं जानते आप कि कौन लिखते हैं, तो उससे उसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो कंटेंट राइटर हैं जो मेरी वेबसाइट का आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उनसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उनका कांटेक्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो उनका मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उसके बाद दोस्तों अभी आपको सब कुछ पता चल गया, अभी आपने वेबसाइट का निश, आपकी निश का वेबसाइट किस तरह से फाइंड करना है वो आपको पता चल गया। उसके बाद आपको किस तरह से गेस्ट पोस्टिंग करना है, गेस्ट पोस्टिंग आपकी आर्टिकल्स को लिखना है, वो सब कुछ आपको पता चल गया। तो अभी दोस्तों आपको पता चल गया कि किस तरह से आपकी निश की वेबसाइट को फाइंड करना है, किस तरह से आपको बेस्ट वेबसाइट्स को फाइंड करना है अपनी निश के रिलेटेड, उसके बाद किस तरह से आपको आर्टिकल्स लिखना है। आप चाहे तो खुद से लिख सकते हैं या फिर दूसरे किसी से भी लिखवा सकते हैं। तो ये था वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, आपका कोई बेनिफिट ज़रूर होगा इस वीडियो को देखकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।